कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद हिमाचल प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद ही कांग्रेस कम बैक होगी। जैसे हाल ही के चुनावों में तीन राज्यों में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, वह भी राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में परिवर्तन होने के बाद ही संभव हो पाया है। ये शब्द हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हर्ष महाजन ने अपनी मंडी जिला के दौरे के दौरान लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदरनगर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच लेकर सत्ता में आए थे, यह दोगली सोच की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में देश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस बहुमत के साथ देश में सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली को भांप चुकी है और उसका संदेश हाल ही के तीन राज्यों के चुनावों में देख लिया गया है। महाजन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इन राज्यों के चुनावों में दल बल धन का पूरा प्रयोग किया, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और उसके परिणाम वर्तमान में देश की जनता ने इस कदर कांग्रेस की वापसी ला के दिए हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 2019 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हिमाचल में चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन समय की मांग है और उसी हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के बाद हिमाचल प्रदेश में भी नेतृत्व में परिवर्तन होगा और नेतृत्व के बलबूते पर ही हिमाचल में भी आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्तासीन होगी, जिसका पहला सेमीफाइनल 2019 के चुनावों में भाजपा के सामने पेश करेगी। हाल ही के पांच राज्यों के चुनावों में देश के साथ चलने को मन बना लिया है। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता केशव नायक, जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष प्रेमलाल गुड्डू, उपाध्यक्ष भुवनेश्वर लाल, कैप्टन बलदेव सिंह पठानिया, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। नेतृत्व जो है, जिस तरह मैंने बाकी स्टेटों में देखा, अब कांग्रेस की और राहुल गांधी चाहते हैं सब इकट्ठे मिल के करें। चाहे हमारी स्टेट में तो इतना कोई लंबा चौड़ा का वो नहीं है कि अभी लड़ाई झगड़ा है, बड़ी बड़ी स्टेटों में तो चार चार पाँच पाँच दस दस लीडर थे, वहाँ भी कांग्रेस ने राजनीति ऐसी चलाई है अब नई किस्म की, इकट्ठे करके सबको समझौते के हिसाब से करके, और सब इसमें चाहे हिमाचल है, चाहे राजस्थान है, चाहे कोई और स्टेट है, इकट्ठे मिल के चलना बहुत ज़रूरी है और आखिरी फैसला जो है वो राहुल गांधी जी पे छोड़ना ज़रूरी है। तब के एक इकट्ठे होके कांग्रेस जो है या लोकसभा के चुनाव में काम करेगी और मुझे पूरा यकीन है अब कि यहाँ कांग्रेस की अच्छी जीत होगी।